नमस्कार दर्शकों, ये है मिनस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। कलेक्टर जनदर्शन कन में विभिन्न भागों को लेकर 48 आवेदन प्राप्त। पूर्व मंत्री एवं रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मुर्तन ने कांग्रेस पर साधा निशाना। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की त्रामिस्क बैठक। देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्टर जनदर्शन से विभिन्न मांगों को लेकर 48 आवेदन प्राप्त किए गए। रिपोर्टर इमरान पारिक की कोंडवा से खास खबर। कोंडवा जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में आज कलेक्टर श्री कृणाल दत्त के समक्ष आम नागरिकों के विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए गए। कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्या पर आवश्यक जांच कर कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशन दिया, जिसके चलते कलेक्टर जनदर्शन में आज ग्राम टुकड़ी के ग्रामीणों में शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षक की लगातार बिना सूचना के अनुपस्थिति की शिकायत करते हुए उसे हटाकर नए शिक्षक पदस्थित करने की मांग की। कलेक्टर ने इनकी शिकायत पर जांच कर कार्रवाई हेतु जिला शिक्षक अधिकारी को निर्देशन किया और बिना सूचना के लंबे समय तक लगातार अनुपस्थित रहने वाले अन्य शिक्षकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देशन दिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व मंत्री एवं रायपुर प्रशिक्षण विधायक राजेश मुर्तन ने कांग्रेस पर साधा निशाना। संवाददाता सागर बत्रा की खास खबर रायपुर से। पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मुर्तन अचौक निरीक्षणों के लिए अनुमान गार्डन पहुंचे। गार्डन में अनियमित पाए जाने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। इसी के साथ ही अनुपन गार्डन में बने रहे नए रोड को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देशन दिए। इसके साथ आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को स्वच्छता का पालन करने की शपथ दी गई। नगर निगम के आयुक्त अविनाश मिश्रा और निगम के अधिकारियों को निर्देशन दिए। इस दौरान नगर निगम और जोन के अधिकारी मौजूद रहे। विधायक राजेश मुर्तन ने कहा है कि गार्डन व्यवस्थित रखें, लोगों के लिए काम हो, यही हमारी आशा है। स्वच्छ भारत का अभियान भी चला रहा है। मूल उद्देश्य है कि शहर को स्वच्छता बनाने के लिए हमारी धरोहर को बरकरार रखें। चर्चा होगी तो आने वाले समय में बदलाव देखने को मिलेगा। बदलाव बहुत कुछ देखने को मिलेगा। शहर अपना राजधानी के अनुरूप दिखना चाहिए। जो विकास के काम रुके होते, गति अवरोधक थे, अब उसकी गति बढ़ गई है। लगातार क्षेत्र में, गली मोहल्लों में जनता की डिमांड के आधार पर और राजधानी के अनुरूप काम की गति बढ़ाने के लिए सत कंपल्सी के साथ में मिल करके काम कर रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, आपका भी कोई सुझाव आएगा तो आप भी शहर के नागरिक हैं। मैं आपसे भी आपके माध्यम से भी आग्रह करता हूँ, जब इस शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी में आपका, मेरा, हम सबका कर्तव्य है। अगर कोई न्यूसेंस वैल्यू है तो उनके बारे में भी हमारे को कहीं ना कहीं, आप जब घूमते हैं तो इसी क्लिपिंग बना के उनके बारे में डालना चाहिए, ताकि हम भी सुधरे, समाज भी सुधरे और जन अपेक्षा की हम अपील करते हैं। सरकार ने अलग अलग पर। बढ़ते अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय एवं पूर्व सेवा परिषद की छियासीवीं बैठक। रिपोर्टर इमरान पारे की खास खबर कोनकास। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद छत्तीसगढ़ की छियासीवीं बैठक राजनांदगांव जिला के जिला पंचायत सभागृह में संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे DGR संबंधित NBBS सीट में पूर्व सैनिकों के बच्चों के आरक्षण के संबंध में एवं संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। और दिनांक 4 और 5 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आयोजित किए जा रहे आर्मी मेला के आयोजन के संबंध में समक्ष पदाधिकारियों को सूचित किया गया और प्रदेश भर में चला रहे निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण केंद्र के प्रशासकों को सम्मानित किया गया। इस कड़ी में राजनांदगांव जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती गीता हासी शाहू के हाथों अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा पार्षद कोंडगांव के संरक्षण एवं बस्तर सभाग प्रभारी सुब्रत शाह, जिला अध्यक्ष सूरज यादव, उपाध्यक्ष अजनेर लकड़ा, सचिव उमेश शाहू, कोषाध्यक्ष सोमेश्वरी भारती, फरगाव ब्लॉक सचिव रुकेश कुंवर, संगठन सचिव चेतन सिंह वर्मा और बटेरा राजपुर ब्लॉक सचिव संतोष मरकाम को परिषद पत्र देकर सम्मानित। वक्त हो दर्शक ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रहिए मिनस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। क्या शराब और अन्य मादक पदार्थ आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं? क्या आपके परिवार की सुख शांति भंग हो रही है? चिंता की कोई बात नहीं, नव दृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र आपकी मदद के लिए यहाँ है। हम नागपुर के सबसे अनुभवी व्यसन मुक्ति केंद्र में शराबियों की मदद कर रहे हैं, जिनकी शराब की लत अब समाप्त हो चुकी है। हम हर संभव सहायता प्रदान करते हैं ताकि आप नशे की लत से मुक्ति पा सके। हमारी सेवाओं में शामिल है वैद्यकीय उपचार, मानसिक चिकित्सा, व्यक्तिगत और सामूहिक मार्गदर्शन,
योगासन, प्राणायाम, ध्यान साधना और काउंसलिंग। आपका जीवन नई दिशा की ओर बढ़ सकता है। नवदृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र पर आज ही संपर्क करें और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाएं। संपर्क करें भिलगांव कामटी रोड नागपुर 7020844633 या फिर 9765236768। नवदृष्टि, एक नई राह, एक नई उम्मीद।